भारत देखो। आज आप अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपने आप को धन्य महसूस करने लगते हैं। बनारस, वाराणसी या कहें काशी, तीनों एक ही नगर का नाम है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा किनारे बसा ये शहर भगवान शिव की पवित्र भूमि है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान शिव और पार्वती को सबसे प्रिय था ये शहर बनारस। काशी का अर्थ होता है काशिते प्रकाशिते इति काशी, जो स्वयं में प्रकाशित है, जिसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। ऐसे भारतवर्ष के भूभाग को काशी कहते हैं। यहाँ भागीरथी के द्वारा लाई गई गंगा काशी क्षेत्र से होकर के बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इस एपिसोड में हम आपको वाराणसी के बाजारों की भी सैर करवाएंगे, ताकि आप जब भी बनारस यात्रा पर आएं तो इन बाजारों का मुआयना जरूर करें। बाजार भी कोई ऐसा वैसा नहीं जनाब, ये वो बाजार है जहां से आप अपनी माँ के लिए, बहनों के लिए, धर्म पत्नी के लिए या फिर अपनी प्रेमिका के लिए हस्तशिल्प का वो नमूना खरीद कर ले जाएंगे जो सभी उम्र की महिलाओं को बहुत प्रिय है। रुकिए, ठहरिए, बताते हैं आपको। ऐसी भी जल्दी क्या है जनाब, आप तो जानते ही हैं बनारस सिल्क साड़ियों के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है, और हस्तशिल्प कला है बनारसी साड़ियाँ। सिर्फ बनारसी साड़ियाँ ही नहीं, बल्कि बनारसी सिल्क साड़ियाँ। बहुत पुराने वक्त से यहाँ हाथ के कारीगर सिल्क की साड़ियाँ बना रहे हैं। कहते हैं कि 17वीं सदी में काशी से सिल्क ब्रोकेड का काम शुरू हुआ था। 1603 के अकाल के दौरान गुजरात से रेशम बुनकरों के प्रवास के साथ संभव है कि रेशम ब्रोकेड बुनाई
17वीं शताब्दी से बनारस में शुरू हुई। 18वीं और 19वीं सदी से ये और बेहतर होती चली गई। मुगल काल के समय यानी करीब 14वीं सदी में ब्रोकेट की बुनाई के लिए सोने और चांदी के धागों को वरीयता दी जाने लगी थी। धीरे धीरे ये धागे बनारस और बनारसी सिल्क की पहचान बन गए। सिल्क यानी रेशमी धागे से बुनी हुई साड़ियाँ। ये साड़ियाँ बारीक बुने हुए रेशम से बनती हैं और जटिल डिजाइन से सजाई जाती हैं। इन साड़ियों की विशेषता उनके मुगल प्रेरित डिजाइन, जटिल फूल और पत्तेदार रूपों में गुथाई है। ये अपने सोने के काम, छोटे विवरण, कॉम्पैक्ट बुनाई, पैलस जाल यानी पैटर्न की तरह नेट और मीनाकारी काम के लिए भी जानी जाती है। रेशम का काम, घर के सामान, रेशम के कपड़े और अन्य उपयोगिता उत्पादों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी के बने इस यंत्र को खड्डी कहा जाता है। बुनकर इस पर साड़ी का डिजाइन तैयार करता है। धागे की लंबाई डिजाइन के मुताबिक होती है और कितने रंग डिजाइन में इस्तेमाल होने हैं उन्हें उसी क्रम में लगाकर बुनाई शुरू की जाती है। अमूमन एक साड़ी को तैयार करने में लगभग 6 महीने से लेकर 3 साल तक का समय लगता है। इसमें कभी शुद्ध सोने की जरी का प्रयोग होता था, किंतु बढ़ती कीमत को देखते हुए नकली चमकदार जरी का काम भी जोरों पर किया जा रहा है। इनमें अनेक प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, उन्हें मोटिफ कहा जाता है। बहुत तरह के मोटिफों का प्रचलन चल पड़ा है, परंतु कुछ प्रमुख परंपरागत मोटिफ जो आज भी अपनी बनारसी पहचान बनाए हुए हैं, बूटी, बूटा, कोनिया, बेल, जाल और जंगला झालर आदि बहुत पसंद किए जाते हैं। प्राचीन समय से ही बनारसी साड़ियों का प्रयोग विशेष तौर से विवाह समारोहों में दुल्हन व नवविवाहिता द्वारा प्रयोग किया जाता था और आज तक यह परंपरा चलती आ रही है। सन 2009 में उत्तर प्रदेश में बुनकर संघों ने बनारस ब्रोकेड्स और साड़ियों के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI अधिकार सुरक्षित कर दिया। GI एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तु की पहचान करता है, जहां उत्पाद की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक मूल के कारण होती है। आज यहां हथकरघा के बजाय मशीनों से साड़ी बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसकी वजह है कि हथकरघा से एक साड़ी तैयार करने में जितना वक्त लगता है, उतने ही वक्त में मशीन से लगभग 20 साड़ियां तैयार हो जाती हैं। साड़ी की डिजाइन पहले एक ग्राफ पेपर पर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद साड़ी की बुनाई के समय इसे ही एक गाइड के तौर पर प्रयोग किया जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कभी बनारसी साड़ी में लगने वाला सिल्क चीन से आयात किया जाता था, लेकिन अब भारत के दक्षिणी राज्यों से सिल्क आसानी से मिल जाता है। एक बनारसी साड़ी की कीमत 3,000 रुपये से शुरू होती है और कम से कम 2,00,000 रुपये तक भी जाती है।
बनारसी साड़ी को चार भागों में बांटा गया है, जिसको शुद्ध रेशम, जरी और रेशम के साथ ऑर्गेंजा, जॉर्जेट और शट्टिर कहा जाता है। डिजाइन के अनुसार इन्हें जांगला, तनचोई, वस्कट, कटवर्क, टिश्यू और बूटीदार जैसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पारंपरिक बनारसी साड़ी इस समय एक कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित हो चुकी है। इस उद्योग से करीब 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये लोग इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं और ये हैंडलूम सिल्क इंडस्ट्री का हिस्सा है। बनारस हैंडलूम का जो काम शुरू हुआ वो आज से 200 साल पुराना काम है, जो अभी तक भी चलता आ रहा है। इसके वीवर्स भी मतलब अब बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं जो कि हाथ से बुनाई करते थे। हमारे यहाँ जो है 5,000 से लेके 1,00,000 तक का रेंज अवेलेबल हमेशा रहते हैं हमारे लिए। ये देख रहे हैं, ये कोई मशीन नहीं बना सकती, सिर्फ और सिर्फ ये हाथ का काम है, क्योंकि इसमें कटिंग नहीं होती, ये सब पूरा प्योर का काम है। कड़वा वीव्स इसको बोलते हैं, सिल्वर गोल्ड जरी पे पूरा काम है। रियल आर्ट जो होती है वो यही, इसी को कहते हैं, इसी से जाना जाता है बनारस पूरा। ये देखिए, ये भी आएगी आपकी 38,500। सब पूरे हाथ से काढ़ के बनती है, एक एक साड़ी एक एक सिरकी से काढ़ा जाता है। ये सब की मजदूरी आप मान के चलिए एक साड़ी की 10,000 से 12,000 रुपये रहती है, जो वीवर्स बिनता है इसको। कम समय 25 डेज है, उससे कम में ये नहीं रेडी हो सकती। जो बनारस की रियल जरी की साड़ियाँ होती है उसकी कॉस्ट होती है 2 लाख 3 लाख रुपीज। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सच्चे तार की साड़ी चाहिए मुझे, प्योर गोल्ड जरी की साड़ी चाहिए। सब में टाइम मैक्सिमम 3 मंथ्स लग जाते हैं उसको रेडी होने में। और बहुत हैवी वर्क होता है, जैसे ब्रोकेट का काम होता है पूरा रियल जरी पे बिनवाने का, तो वो सब में 5 मंथ्स का पूरा टाइम टेकन होता है साड़ी को कंप्लीट करने में। साड़ी खरीदकर कुछ पल गंगा घाट पर बैठने का मन सभी का करता है। फुर्सत के कुछ लम्हे यहाँ बिताने पर मन को बहुत सुकून मिलता है, तन में जैसे एक तरह की ताजगी महसूस होने लगी है। तो आप रहिए मस्त, व्यस्त और स्वस्थ। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे कुछ और ताजा तरीन जानकारियां। आप हमेशा जुड़े रहिए भारत देखो श्रृंखला के साथ।